टूर्नामेंट सक्सेस हुआ है क्योंकि सब गांव से आ रहे, बार बार से हैदराबाद से आके, पुणे से आ रहे, बॉम्बे से आ रहे, कलकत्ते से आके खेले, तो प्लेयर्स को बहुत इंटरेस्ट है। एक्चुअली हमारा इधर लीडर था, एक्चुअली स्पोर्ट्समैन कौन कौन है, उन लोगों को दूसरे गाँव से ले जाके IPL प्लेयर अभी आके खेला बोल के मेरे को मालूम हुआ। सब अच्छा हुआ, अच्छे तरीके से खेले बोल के। क्या ये एडवांटेज मिलेगा सर आपको कुछ आने वाले एडवांटेज का? मैं एक्चुअली क्या भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, अच्छे तरीके से खेले बोलने का होता है हमारे को। धर्म सिंह साहब का एक नाम क्या है, ये हैदराबाद कर्नाटका रीजन में उन क्या क्या काम किए वो जाने के बाद एक्चुअली मैं उनका नाम अभी रखने चाहता हूँ, उसलिए मैं ये टूर्नामेंट चला रहा हूँ। उसके लिए ये तो मैं 6 साल से चला रहा हूँ, मैं इलेक्शन है बोल के मैं चला रहा नहीं, ये बार चला रहा नहीं। एक्चुअली बहुत लोग आप चालू करें मेरे जैसा ये सक्सेस होने का देख के पूरा चालू कर रहे हैं, कभी सक्सेस होने दीजिए। मैं दोनों टीम के कप्तान और अंपायरों से गुजारिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द पास करें। स्वागत मंडली ग्राम पंचायत अध्यक्ष क्रिकेट टूर्नमेंट नडसिदीवी, ಒಂದೇ ತಾರೀಖು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇವತ್ತು ಎಂಡ್ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿದವರು ಫೋನ್ ಕಾ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾಪಿಸಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿನ ಟೀಮ್ ಅವರು 120 ಟೀಮ್ ಇವತ್ತು ಆಡಿ ಇವತ್ತು ಫೈನಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿದೀವಿ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಫೈನಲ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ 25ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಜೇರುಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸಾಹೇಬರು, ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಏನು ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಅಭಿ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಜೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೇಲ್ ಹಿಂದಿ ಬೋಲ देखिए, 1 दिसंबर 1 से हम क्रिकेट टूर्नामेंट चालू करें. आज 23rd आज फाइनल्स हुआ है अच्छे तरीके से. एक्चुअली पूरा 120 गांव क्या है, सब गांव से आके क्रिकेट टूर्नामेंट खेल के अच्छा तरीके. तो इतने लोग आपके फेवर में है सर ये टूर्नामेंट से, तो कैसा लग रहा है आपको? फेवर बोल के नहीं है एक्चुअली, से हम एक स्पोर्ट्स एक्चुअली चलाना बोलने का. मैं पहले से भी एक्चुअली एक स्पोर्ट्स पर्सन हो के मैं एक्चुअली चलाना. आप तो फेम हो गए सर, बहुत ही ज्यादा आपका फेम हुआ है यहाँ पर इस टूर्नामेंट को लेकर. सक्सेस हुआ है क्योंकि सब गांव से आ रहे, बार बार से हैदराबाद से आके, पुणे से आ रहे, बॉम्बे से आ रहे, कलकत्ते से आके खेले, तो प्लेयर्स को बहुत इंटरेस्ट है. सब एक्चुअली हमारा इधर लीडर था एक्चुअली स्पोर्ट्समैन कौन कौन है, उन लोगों को दूसरे गाँव से ले जाके IPL प्लेयर अभी आके खेला बोल के मेरे को मालूम हुआ. सब अच्छा हुआ, अच्छे तरीके से खेले बोल के. क्या ये एडवांटेज मिलेगा सर आपको कुछ आने वाले दिनों? एडवांटेज का मैं एक्चुअली क्या भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, अच्छे तरीके से खेले बोलने का होता है हमारे को. धर्म सिंह साहब का एक नाम क्या है, ये हैदराबाद कर्नाटका रीजन में उन क्या क्या काम किए वो जाने के बाद एक्चुअली मैं उनका नाम अभी रखने चाहता हूँ, उसलिए मैं ये टूर्नामेंट चला रहा हूँ. तो उसके लिए और आने वाले दिनों में क्या करेंगे आप? डेफिनेटली ऐसे चलाते रहता हूँ मैं. इलेक्शन के करीब आते ही सर इस तरह के स्पोर्ट्स होते हैं, बॉडी बिल्डिंग चैंपियंस होगा, फुटबॉल होगा, तो कहीं ना कहीं ये सियासत इलेक्शन को नजर में रखते हैं. ये तो मैं 6 साल से चला रहा हूँ, मैं इलेक्शन है बोल के मैं चला रहा नहीं, ये बार चला रहा नहीं. एक्चुअली बहुत लोग आप चालू करें मेरे जैसा ये सक्सेस होने का देख के पूरा चालू कर रहे हैं, कभी सक्सेस होने दीजिए. यानी आपका कहना है पहले स्टार्ट आप करें सर. मैं क्रिकेट मेरे को इलेक्शन है बोल के मैं नहीं चला रहा हूँ.
हर एक साल में चला रहा हूँ, ऐसे टूर्नामेंट सक्सेस हो रहा है। यानी आप टूर्नामेंट को चालू करो, दूसरे लोग देख के कर रहे हैं जो कर रहे हैं। इलेक्शन है बोल के देख के कर रहे हैं, इलेक्शन करीब आ रहा है बोल के देख के कर रहे हैं। श्री चंद्रा सिंह साहब, जो भरम सिंह साहब एक्स चीफ मिनिस्टर के दामाद हैं, उन्होंने जो 6 साल से टूर्नामेंट लगकर यहाँ के नौजवानों का हौसला बढ़ाया है और उन्हें ऐसी टिकट दी है, हेल्थ इज वेल्थ, सेहत 1000 में मत है, और साथ ही साथ हेल्थ विटनेस और फिटनेस का भी काम किया है। और नौजवानों ने जो मुजाहरा किया है अपने खेल का, मैं सभी नौजवानों को जो हारे हैं उन्हें भी बधाई देता हूं, जो जीते हैं उन्हें भी बधाई देता हूं। खेल में हार और जीत तो लगी हुई है, किसी को मायूस नहीं होना है। एक बात जहन नशीन रख लीजिए कि नौजवान ही मुस्तकबिल होते हैं समाज का, अच्छे और बुरे में जहाँ नौजवान आगे बढ़ते हैं वहाँ शक्ति बनती है और उसका अच्छा रिजल्ट भी आता है। ये खुशनसीबी है हमारे साउथ की कि हमारा लीडर भी नौजवान है, उनके वर्कर भी नौजवान है। और पिछले 15 सालों से हम जो सफल हो रहे थे, जिस तरह से हम परेशानी का शिकार हो रहे थे हमारे इलेक्टेड एमएलए से लेके, अगर आप नौजवानों का अगर कारण रहा, कोऑपरेशन रहा और आपकी शक्ति चंद्रा सिंह साहब के साथ रहेगी, तो इंशाल्लाह 2023 में असेंबली में झंडा लहराएंगे आप चंद्रा सिंह। और ये ताकत का मुजाहरा आपका अपना है, हमारा नहीं है। हम तो आपको गाइड करेंगे लेकिन ताकत और शक्ति आपके हाथ में है। चंद्रा सिंह साहब से ये तवक्को है यहाँ के नौजवानों की और हर समाज के वर्गों की कि चंद्रा सिंह साहब को एक बार जरूर आजमाएंगे, मैं यकीन के साथ कहता हूँ। वो फैमिली का इतना बड़ा कारनामा है, जहाँ इलेक्ट हो जाते हैं तो जनता को ऐसा सेलेक्ट करते हैं कि उनकी प्रगति में उन्होंने उनका परिवार कभी भी पीछे नहीं हटा। आज अब इसकी मिसाल लीजिए जेवरगी की, जहाँ अनेक कार्यक्रम हुए हैं वहाँ के वर्कर खुशहाल हो गए हैं और यहाँ के वर्कर सड़क पर पैदल फिर रहे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं चंद्रा सिंह साहब को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो लॉकडाउन के पीरियड में कोऑपरेशन किया जनता के साथ, उनके अच्छे और बुरे की जो उन्होंने खैर खाही ली है, उनके प्रगति क्या है, उनकी दुर्गति क्या है, उन्होंने अपने वर्करों के जरिए उनका मैसेज, उनको कोऑपरेशन करते रहे। लेकिन हाँ, ये बड़ा अफसोस है कि हमारे दूसरे इलेक्टेड एमएलए और दूसरे एक्स एमएलए ने कभी इस तरफ झांक कर नहीं देखा है।